छोटी छोटी पांच सात बातें सुन लो। खाने के बाद, योग करने के बाद लघु शंका जरूर जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद लघु शंका जरूर जाना चाहिए, होने वाश्रम के लिए। किसी को टॉयलेट आता है तो टॉयलेट पे चले जाओ। अब शौच तो खाने के बाद उन्हीं को आता है अक्सर जिनको कोलाइटिस होता है, इसलिए खाने के बाद शौच जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, इसको ऐसे रोक के नहीं रखना है। आप यदि बहुत कितना ही भयंकर आपको कोलाइटिस है और चार चार गोली सुबह दोपहर शाम आप कुटज घनवटी की खा लेते हैं और दो से चार गोली चित्रकादी भी खा लेते हैं तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसमें बिलवादि, गंगाधर, शंख का वर्धक, मुक्ता शुक्ति और फिर दही का, अनार का पका हुआ, केले का पका हुआ, सेव को उबाल करके और फिर सांठी चावल का, ये बहुत सारे प्रयोग बताते हैं जैसा जिसकी आवश्यकता है। और हम यहाँ से 99% लोगों की तो 7 से 15 दिन में, किसी को एक्सेप्शन के तौर पर मेरे सामने कुछ अपवाद आए जिनको वक्त लग जाता है 1-2 महीने का, नहीं तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा ठीक हो जाता है। मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि योग के बाद लघु शंका जाना चाहिए, जिससे जो भी टॉक्सिन निकले वो, कुछ तो अभी निकल रहे हैं, कहाँ-कहाँ से टॉक्सिन निकलते हैं, सांस से टॉक्सिन निकलते हैं, पसीने से टॉक्सिन निकलते हैं, मलमूत्र से टॉक्सिन निकलते हैं और एक संकल्प से अंदर के विकार निकलते हैं, जो आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे हुए जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, जो कुछ संस्कार हैं, जो भीतर इतने गहरे में कुछ भय, कुछ भ्रांतियाँ, जिनको प्रारब्ध दोष कहा जाता है। अब जिसको प्रारब्ध समझ में ना आए, जो सो कॉल्ड हमारे लिटरेट इडियट्स हैं, पढ़े लिखे आज के बेवकूफ़ लोग, बोलिए प्रारब्ध क्या होता है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम है। और जेनेटिक प्रॉब्लम्स में एक बड़ी समस्या होती है, रोगों के अलावा अंतर मन में भी कोई भय, बहुत गहरे भय बैठे हुए, वो सब भी निकल जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परावर। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पाप शब्द बोलते ही मेरे ऊपर बहुत बार विवाद हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, लेकिन है कोई पूर्व जन्म में कोई तो कृत्य है, या तो हमारा है या हमारे माता पिता का है, या कोई ना कोई प्राकृतिक दोष है जिससे हमने तो कोई गलती नहीं की ना, हमको क्यों हो जाता है हृदय रोग, क्यों हो जाते है डायबिटीज, क्यों हो जाता है अर्थराइटिस, क्यों हो जाता है कैंसर का रोग, टीबी का रोग, जेनेटिकली होता है। तो ये जेनेटिकली जो होता है वो रोग भी कट जाता है, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं प्राणायाम से हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स तक, हमारे डीएनए तक पूरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बड़ी बात है। तो एक्यूप्रेशर के साथ करते रहो इसे लगातार, ऐसे लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, संकल्पित होकर के प्राणायाम का अभ्यास करते। तो एक तो मैंने कहा योग के बाद लघु शंका के लिए अवश्य चले जाया करें, दूसरा योग को संकल्पित होकर के किया करें, ऐसे अनमने मन से नहीं, रोग की निवृत्ति का संकल्प, इसको मैं जीवन मुक्ति भी कहता हूं, जीवन मुक्ति के, रोग मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, दुर्गुण दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्ति, सब प्रकार के जो भी जीवन के रोग हैं, दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, भयभ्रांतियां हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, विकार हैं, सबसे मुक्ति, जीवन मुक्ति इसको कहते हैं, जीवन मुक्ति के संकल्प के साथ, बुरी चीज़ों से मुक्त होना, अच्छी चीज़ों से तो हम युक्त हैं, तो संकल्पित होकर के प्राणायाम करना, विधि पूर्वक करना, निरंतरता एकाग्रता पूर्वक करना, पूरा मेरा
बॉडी का एक्सप्रेशन हो रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट बैलेंस हो रहा है मेरा। और जो मेरे अंग प्रत्यंग कोई मेरा ऑर्गन डीजनरेट हुआ था वो रीजुनेट हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है इस संकल्प के साथ। और सामान्य मध्यम गति से, ये सामान्य, और ये अब देखो लगातार एक अभ्यास को करने से एक विशेष रूपांतरण होता है। इसको मैंने बहुत प्रामाणिकता के साथ अनुभव किया, जरा सुनना। लगातार कपालभाति और थोड़ी देर अभी अनुलोम विलोम कीजिए, ये लगातार करवाया। अब मैं योग के संदर्भ में जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखा वो बातें बता रहा, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी महापुरुष ने ऐसे विस्तार से नहीं कहा। सार रूप में, सूत्र रूप में तो सब शास्त्रों में, वेद दर्शन उपनिषदों में लिखा हुआ है योग का सत्य, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से नहीं लिखा हुआ। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि प्राणायाम करने से हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाते, ऐसा करके नहीं लिखा हुआ। इतना लिखा हुआ है न तस्य रोगो न जरार मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता उसको कोई रोग नहीं रहता। अब उसका विस्तार नहीं है, कोई रोग मने सभी रोग, उसको बुढ़ापा भी नहीं आता, न तस्य रोगो न जरार न मृत्यु, वो मृत्युंजय हो जाता है जिसने योगाग्नि में स्वयं को तपा लिया। अब विस्तार से मैं कह रहा हूँ, अनुलोम विलोम लगातार करने से, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, ये चिकित्सा के माध्यम से मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, एक सप्ताह से लेकर के एक दो महीना हम ये मेडिकेटेड फूड लेने के लिए बोलते हैं कि उसके बाद फिर नॉर्मल फूड ले लें, नहीं तो कई प्रकार के डेफिशिएंसीज हो जाएंगे। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड और निरंतर प्राणायाम की साधना जितनी करने के लिए बोलते हैं उतनी पूरी करना, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं एक से दो महीने के भीतर। आपने खुद देख लिया, रजनीश जी तो एक प्रमाण थे जो अभी नागपुर से आए। भाई ऐसे कितने प्रमाण मेरे पास हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए, 10-10, 20-20 साल से वो आनंद से अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए। हार्ट इनलार्ज था, हार्ट इनलार्ज था, साइज बढ़ गया था, वो अपने आप हार्ट फिर साइज में आ गया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, 50-60 होना चाहिए, 15-20 पर पहुंच गया था, वापस इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो गया। कार्डियोग्राम, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सब उपयोग, जो मैंने कहा ना, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और छोटी छोटी थेरापियाँ जो जिसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब करवाते हैं। हम घर पे भी कर सकते हैं ये सब, कोई लंबी छोटी बात नहीं। हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए, हार्ट के अंदर से वाल सिकुड़ रहे थे वो नॉर्मल आ गया, हार्ट के वाल चौड़े हो गए थे वो सामान्य हो गए, हार्ट का पल्पिटेशन बहुत आई था, पल्स इरेगुलेट थी, रेगुलेट हो गई। ये तो एक सप्ताह में हो जाता है। जो बोलते हैं उसको पूरा करो। हाथ टेढ़े मेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े हाथ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, ठीक हो गए। बस लगातार एक एक घंटा सुबह, दोपहर, शाम तीन बार किया। कैंसर के पेशेंट हैं यहाँ बहुत सारे, एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के उन्होंने, मैंने कहा ना भगवान से बड़ा कोई सहायक नहीं है, भगवान से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है, भगवान के नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। इसलिए भगवान के नाम को, भगवान के आश्रय शरणागति को, भगवान की भक्ति को सबसे बड़ी औषधि कहा है। ये मात्र मन का विश्वास नहीं है,
इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारे विश्वास के पीछे भी विज्ञान है। इसलिए हम श्रद्धा में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ढोंग आडंबर, पाखंड को नहीं मानते, लेकिन श्रद्धा की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में। अनुलोम विलोम लगातार करते रहिए। एक दिन में ही मैंने लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफिनिया तक अच्छा किया, जिनको एपिलेप्सी थी, लगातार उन्होंने मेधावटी का सेवन किया, मेधा क्वाथ पिया, सामान्य लोगों से डॉक्टरों तक की मैंने एपिलेप्सी ठीक की हुई, डॉक्टरों तक की, बड़े बड़े साइंटिस्टों की एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, पूरे ब्रेन के सारे न्यूरो सॉरी नस नाड़ियाँ 72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 सेल्स, और हमारे ब्रेन के जो पूरे स्नैप्स, माइलन सीट, उसमें विकृति आने से क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स में करंट ठीक से पास नहीं होता, और जैसे ही करंट बाधित तो होता है, झटका आता है, उसी को एपिलेप्सी कहते हैं। एक ही परिस्थिति में मस्तिष्क का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कीड़ा जाकर के बैठ जाता है मस्तिष्क में और घर बना लेता है, उसको ऑपरेट करके बाहर निकलना पड़ता है, बाकी कोई भी एपिलेप्सी शेष रह ही नहीं सकती किसी भी कारण से हो। बादाम और अखरोट को रात को भिगो के सुबह पीस के पिला देते, अथवा बादाम रोगन नाक में डलवा देते हैं, एक एक चम्मच बादाम रोगन, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, ये मिलती भी हैं, थोड़ा आधे आधे चम्मच ऐसे पी लिए, नहीं तो बादाम अखरोट पीस के पियो ना, उसके और भी दूसरे गुण हैं। मेधा उठी लो, मेधा क्वाथ का पानी पियो दिन भर, और उसी से हवन करो, और अब तो न्यूरोग्रिड साथ में और चला देते हैं, अश्वगंधा रिष्ट, सरस्वत रिष्ट पिला देते। गिलोय भी मस्तिष्क के लिए ज़बरदस्त है, इसलिए गिलोय का तो ये मस्तिष्क के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये ओबिसिटी के लिए, ये कोरोना से लेकर के तमाम तरह के बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ये आर्थराइटिस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के प्रशमन के लिए, गिलोय तो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी जीवनीय शक्ति के लिए, अरे राम, बहुत ज़बरदस्त। अनुलोम विलोम करो तो मैं बोल रहा था, बड़े से बड़े रोगों को हमने ढाया है, मिटाया है, कितने भयंकर रोग कहलाते हैं, कितने भयंकर सोरायसिस आपको, अब सोरायसिस के जितने भी एक्जिमा हैं, लिकोडर्मा हैं, सब स्किन प्रॉब्लम्स के मुख्य कारण क्या है, एक है मस्तिष्क का तनाव। अभी कुछ डिटेक्ट कर पाए हम, कुछ चीज़ों को ढूंढ पाए, खोज पाए कि ये हार्मोन्स, ये केमिकल, ये सोल्ट होने से ऐसे ऐसे ये होता है, अभी कुछ तो खोजे ही नहीं गए हैं। मनुष्य को शरीर के बारे में 1-4% मैक्सिमम अलग अलग संदर्भों में पता है, मस्तिष्क के संबंध में 1% पता है, बॉडी के संबंध में 4% पड़ता होगा, जो फिजिकल कुछ मूवमेंट्स होते हैं उसके, बड़े मूवमेंट्स, जो इंटरनल ऑर्गेन्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में 2-3% पता है, 1-4% में पूरा समा गया। हमने जिसका नहीं पता, अनुलोम विलोम लगातार कराया, कपाल भाते लगातार कराया, सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा मिटा दिया, और पहले हमें कई प्रकार की दवाइयाँ देनी पड़ती थी, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लें, कैसे मिलाएं, फिर कितनी खाएं, इसकी डोज को लेकर के कंफ्यूजन रहता था, इसलिए अब डर्माग्रिट, सोरोग्रिट और मिलेनोग्रिट, ये औषधियाँ नई भी बना दी हैं, जो आपको इसी सप्ताह सबको यहाँ मिल जाएंगी, फिर धीरे धीरे देश में भी दे देंगे, ये सारी बीमारियाँ मिटती हैं। उसके लिए लेप भी बना दिए, कायाकल्प लेप, एक अभी दिव्य तैलम बना दिया हमने, अश्वगंधा, सीबकथोन, दारू हल्दी, हल्दी और नीम, ये 5 चीज़ों का तेल मिला करके, और वो थोड़ा अच्छे से लग जाए, इसलिए सनफ्लावर के साथ उसको बेस दे करके, और ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ऐसे बड़े बड़े रोग, कितना ही भयंकर सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, ये जितने भी वात रोग हैं ना, वात रोगों का तो 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का एक संसार है, जिसमें सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के घुटने, कमर, गर्दन के दर्द से लेकर के सभी एक ही प्रकार का रोग है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। और वात रोग के लिए सबसे अच्छा है, वात मीन्स प्राण, प्राण दोष है ये, वात रोग जितने भी है सब प्राण दोष हैं। अवात अवाही भीषजम विवात अवाही इंद्रपह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतेषु, और ये वात ही सब रोगों को दूर करता है, ये प्राण।
तो प्राण का सम्यक उपयोग कर लो। भस्री का कपाल भांति बाह्य प्राणायाम उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतरी शीतकारी चंद्र भेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि, ये सब प्राणायाम कर्ण रोगांतक अभ्यंतर 12 प्राणायाम करवाते हैं हम अलग अलग रोगों में। 5 से 6 प्राणायाम एक रोग में पर्याप्त रहते हैं। 5 से 6 आसन कर लिए, 5 से 6 प्राणायाम कर लिए, हाँ ध्यान पूर्वक करें सब। तो मैं कह रहा था एंकलोजिंग स्पेलाइटिस पार्किंसन यहाँ काफ़ी दूर हो रहा है लोगों का, कुछ का तो 7 से 10 दिन में, किसी का तो 1 से 2 सप्ताह में पूरा पार्किंसन यहाँ से मिटा के चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये पहली बार हो रहा है धरती पर कि पार्किंसन रिवर्स हो रहा हो, MND रिवर्स हो रही हो, SLE MS ANA नेगेटिव आ रहा हो, ANA नेगेटिव आ जाता है, RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, ESR पूरा ढह जाता है, यूरिक एसिड 12, 14, 15 तक जो एक कदम नहीं चल सकते थे 14, 15 का गोखरू का पानी पिलायो। अब देखो केवल योग से यूरिक एसिड इतना जल्दी डाउन नहीं आता है, ये भी बात बता देता हूँ। गोखरू का पानी पिलाने से 1 से 2 सप्ताह में ही 12, 14 यूरिक एसिड और खाने पीने में कंट्रोल, देखो लोग ही कल्प कराते हैं, 14 यूरिक एसिड विद इन ए वीक यदि 3-4 पर आ जाए तो इस धरती पर मैंने भी पहली बार देखा है 30 सालों में। अभी मैंने गोखरू को इतना वो डिटॉक्स करता है पूरे शरीर में को साफ कर देता है। अरे राम कितनी भयंकर प्रॉब्लम है UTI की, लेडीज को तो मतलब एक एक बूंद पेशाब के लिए तरस जाती है, और फिर इतने भयंकर स्टीराइड और जो ट्रीटमेंट होता है उतना पेनफुल होता है, उससे शरीर में और दूसरे उपद्रव इस कदर हो जाते हैं कि आदमी कहता है इससे तो ज़्यादा मर जाऊं, बस रो पीड़ा सही नहीं जाती, इस असह्य वेदना होती है। UTI की प्रॉब्लम कितनी भयंकर हो, कितने भयंकर यूरिन इन्फेक्शन हो, गोख और PSA, ये मैं अभी जो बातें बता रहा हूँ ये सब किसी किताब से पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, आंखों देखी बात कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, साइंस भी पढ़ी है मैंने, योग शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र और सारा विज्ञान सब कुछ पढ़ा है। ये पढ़ करके मैं खाली पढ़ी हुई बात एक भी नहीं कहता। अनुलोम विलोम कर लो भाई, कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं गलत बात, अनुलोम विलोम करो या कपाल भाती करो, एक करते हुए थक गए दूसरे कर लग गया दूसरे में करते थे ऐसे कर। मैं सब शास्त्रों के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मैं साइंस में टेक्नोलॉजी में इनोवेशन इन्वेंशन में ज्ञान विज्ञान में खुद दीक्षित हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ सबका प्रयोजन करने से है, ये करो ये मत करो और ऐसे करो, ये करो ये मत करो, यही है सत्य इस सृष्टि का और कुछ नहीं है, और जो करो उसको कैसे करो बस इतना ही है। ये सारे शास्त्रों का सार है, सारी साइंस का निचोड़ है, द एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड एस्पेक्ट ऑफ शास्त्र, डूज एंड डोंट्स, ये करना है ये नहीं करना है, करना है तो कैसे करना। अब जैसे कपाल भाती मैंने कहा करना है तो एक्यूप्रेशर के साथ करो, संकल्प के साथ करो, प्रसन्न चित्त एकाग्र चित्त होकर के करो। तो मैं कह रहा हूं ये बड़ी चीजें है, UTI के प्रॉब्लम दूर हो गए, PSA लेवल लोगों का 60-70 तक पहुंच गया था और 0.5 पर आ गया, कितने दिन में, 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, एक सप्ताह से दो सप्ताह में अलग अलग। देखो डिजीज का लेवल सब में एक जैसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय लग जाता है, रोग का वेग सब में एक जैसा नहीं होता और सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती, इसलिए कम ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अब आपके फैटी लीवर की कंडीशन एक जैसी नहीं है ना, हार्ट के ब्लॉकेज की कंडीशन एक जैसी नहीं, किसी को 50% ब्लॉक है, किसी को 80-90% ब्लॉक है, किसी का फेफड़ा 25, किसी का 50, किसी का 80-90% खराब हुआ है, तो भाई उसको उतना समय तो दो रिकवर होने में। यदि आपका फेफड़ा मैं कहता हूं 90% खराब है, यदि आपके हार्ट में 90% ब्लॉक है, आपका लीवर 90% खराब है, आपका पेनक्रियाज 90%, अब ये डायबिटीज वाले बच्चे हैं, अब इन बच्चों का 10-10 मिनट आसन कराएंगे। अब देखो मैं अपनी जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है विद्या दी है जो मुझे अनुभव है मैं सबको बांटता हूँ, कोई ये लुका छिपी वाला खेल नहीं रखता। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, और एक एक स्वामी रामदेव को सुन करके करोड़ों लोग तो स्वस्थ हो गए,
और करोड़ों लोग समृद्ध भी हो गए, कुछ लोग अपने घर में या ये सब चीज़ें करने लग गए, जो मुझसे सुनते हैं लगातार मुझे तो एक दो महीने सुन लिया और फिर अपने घर में ही अपना खोल के बैठ गए चिकित्सालय। कोई गोखरों का पानी पिला रहा है, कोई अपामार्ग का, अब अपामार्ग के दांतन करने से जिनकी हिलते हुए दांत हैं वो भी बंद हो जाते हैं, उसने अपना अपने घर में अपामार्ग की खेती कर ली और बोले भाई जिनको भी दांत के रोग हैं हमको एक संजीवनी मिल गई है, ये जड़ी से अपना दांत जो है वो करो, दांतन करो और हिलते हुए दांत ठीक हो जाते हैं, सच में ठीक हो जाते हैं हिलते हुए दांत अपामार्ग से। जो हम प्लेटलेट बोलते हैं किससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, तो लोगों ने भाई प्लेटलेट बढ़ाने की यहाँ ये रस पिलाते हैं, तो उन्होंने ईमानदारी से अपना वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीता और एरंड के पत्तों का रस, अनार का रस और उसमें सर्वकल्प क्वाथ और मिला करके डाल दिया, पिला दिया, जो भी आया उसी का प्लेटलेट एक दिन के अंदर 25 से 50,000 तक प्लेटलेट बढ़ सकते हैं, ये धरती पर पहली बार स्वामी रामदेव ने कहा और ये बात मैं पिछले 25 साल से कह रहा हूं, 25 साल से इस बात को कह रहा हूं, नहीं तो प्लेटलेट बढ़ने से लाखों करोड़ों लोग मरे हैं दुनिया में, हर साल कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत होती है प्लेटलेट कम होने से, और मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले प्लेटलेट चढ़ाते हैं फिर एक घंटे में फिर गिर जाते, क्या करेंगे, मुझे इसकी बॉडी में पता नहीं क्या हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है और प्लेटलेट डालते हैं शरीर खा जाता है फिर खत्म कर देता है। आर्टिफिशियली प्लेटलेट बढ़ाने वाला जो तरीका है वो कतई कामयाब नहीं है, वो तो इमरजेंसी के तौर पर एक आधी बार कभी कामयाब हो जाए तो अलग बात है, ये है ओरिजिनल तरीका, नेचुरल तरीका। और 25-50,000 बढ़ जाए, जब डेंगू में, चिकनगुनिया में या किसी किसी को पता ना कोई शरीर में कोई उपद्रव हो जाते हैं, और सुन लो एक बात और, ये जो कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवा खाते हैं, अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसे TLC, WBC, प्लेटलेट ये सब तो गड़बड़ होते ही हैं, सब चेक करवा के देख लो, जो भी कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं उन सब के ब्लड काउंट 100% डिस्टर्ब होते हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जो भी खा रहे चेक करवा लो, उनके प्लेटलेट गड़बड़ मिलेंगे, उनके WBC गड़बड़ मिलेंगे, RBC भी गड़बड़ मिलेंगे, उनके तमाम TLC DLC भी गड़बड़ मिलेंगे, उनका सब कुछ पूरा ब्लड का एक चीज को ठीक नहीं कर रही है ना कि खून को पतला कर दिया, अरे भाई वो और उपद्रव कर रही है, खून को पतला करते 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 जो दवाई दे रही हूं उसको कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक है, इसलिए मैं कहता हूं खून को पतला करने की दवाई मत खाइए, लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ, और लौकी का जूस सब्जी और सूप नहीं खा सकते रोज, तो हमने लौकी की गोली बना दी पहली बार, लौकी घनवटी, अब कहाँ रोज इधर कोई ट्रेन में है, कोई प्लेन में है, कोई भीतर है, कोई बाहर है, कहीं मिल रही कहीं नहीं मिल रही, और कहीं लौकी मिली तो पता लगा उसमें इंजेक्शन ठोक रखा है तो वो लौकी खाई तो और बीमार पड़ गए, तो हमने अच्छी वाली लौकी उसका पूरा टेस्टिंग करके और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया हमने, लौकी घनवटी और लिपिडोम पहली बार बनाया, जैसे मैंने बोला ना थायरोग्रीड, प्रोस्टोग्रीड, लिपिडोम और लौकी घनवटी, लिथोम स्टोन के लिए पहली बार। कुछ लोगों ने बोला बाबा जी आप तो अंग्रेजी के इतने विरोधी थे, आपने सारे नाम अंग्रेजी में क्यों रख दिए, मैंने कहा दूसरे समझ में नहीं आते इन बावड़ों को, अब बताओ मैं तुमको वृक का बोलूं, वृक्क यकृत कितने लोगों को समझ में आया, मुश्किल से 5% लोगों को समझ में आया, पूरे पंडाल में 10-15 हाथ उठे, वृक्क माने सबको, क्योंकि हमने वो दवाई का नाम रखा है ना वृक्क दो शरबती, वृक्क माने किडनी और यकृत माने लीवर, ये अब तुम तो मुझे इतना सुनने वाले हो, वर्षों से सुन रहे हो इसलिए बताया, नहीं तो यकृत बोलो, वृक्क बोलो, प्लीहा बोलो स्प्लीन को, प्लीहा बोलो फेफड़ों को, फुफ्फुस बोलो, तो बोले बाबा पता नहीं क्या फुफ्फुफ्फु कर रहा था, फुफ्फुस तो अब अवटू बोलो थायराइड को, अवटू अब थायराइड को अवटू बोलो, तो बोले पता क्या बाबा क्या दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, अरे बाबा तो ठीक बड़बड़ा रहा था, तेरे को पता ही नहीं बावड़े, इसलिए हमने थायराइड की अब
अवट्टमृत, अब नाम रख देते हैं हम अवट्टमृत, तो कितनों को समझ में आता, बोले पता नहीं क्या है कौन सा नाम रख दिया, नाम बोलने में दिक्कत होती, थायरोग्रिट कर दिया हमने, ठीक। ग्रिट माने जुझारूपना, लड़ने की ताकत, जीतने की, विजेता होने की ताकत, तो ग्रिट हमने नाम रख दिया, नई सीरीज रख दी। और दूसरी बात यह, हमने बहुत से नाम ट्राई किए, हजारों, एक लाख से ज़्यादा, हम तो शब्द शास्त्र के जानने वाले, व्याकरण शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो बहुत से नाम लोगों ने रजिस्टर्ड करवा के रखे हैं। नाम लो तो बोले 5 लाख रुपए दो तो नाम मिलेगा, तो हमने ये नए नाम, नई औषधियां बनाई।